आज हम आपको सिखाएंगे कि COVID-19 वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद में हम co.win एप्लीकेशन अपने आप आ जाएगा, उस पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में सबसे पहले ही नंबर पे साइट खुल जाएगी, तो ओपन करेंगे उस पर। तो ओपन करने के बाद में हम देखते हैं एक नया पेज खुल जाता है, जिसमें हम जिस नंबर से हम COVID-19 की वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उसको पहले हम नंबर यहां पर फिलअप करेंगे। तो हम देखते हैं, हम नंबर डालते हैं, हमने नंबर फिलअप कर दिया है। नंबर फिलअप करने के बाद में हम गेट OTP पे जाएंगे। हमको एक अभी थोड़ी देर में OTP प्राप्त हो जाएगा, और OTP प्राप्त होते ही हम यहाँ देखो आ गया, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पास फिर इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में इसको हम यहाँ पास आगे हम इसको पैक करते हैं। जाने के बाद में हम वेरीफाई प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखो ओपन होके एक नया पेज आ गया है, और इसमें ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, यू कैन रजिस्टर फॉर मेंबर विथ वन मोबाइल नंबर, यानी कि एक मोबाइल नंबर से चार मेंबर को ऐड किया जा सकता है। तो हमको क्या करना है, एक मेंबर को ऐड करना है, यानी कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो ओपन करेंगे रजिस्ट्रेशन मेंबर। तो इसमें देखो सबसे पहले नंबर पे दिखा रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो उसमें कौन सा आईडी प्रूफ आप लगा रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, और भी नीचे दिए गए हैं वोटर आईडी वगैरह। इसमें से जिस पे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। हमने आधार कार्ड को सिलेक्ट किया है। उसके बाद में पूछ रहा है आधार कार्ड नंबर आपको फिलअप करना है, तो आधार कार्ड नंबर फिलअप करेंगे हम, ठीक है। और आधार कार्ड नंबर फिलअप करते ही ये हमने आधार कार्ड नंबर जो है क्या बोलते हैं हमने ऐड कर दिया है। और इसके बाद में हम आगे चलते हैं, आधार कार्ड पे नाम क्या है, तो जो नाम है उसको हम लिख देंगे। उसको हमने नाम लिख दिया है। और इसके बाद में ये पूछ रहा है मेल है, फीमेल है, अदर कोई भी है, तो इसमें ये फीमेल है, तो फीमेल पे क्लिक करेंगे। और इसमें पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ के लास्ट यानी कि ईयर के फोर डिजिट पूछ रहा है, तो 1980 ये हम ऐड कर देंगे। फिर पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन, जैसे हम क्लिक करेंगे ये इनका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। ऊपर देखो लिखकर आ गया है कि इनका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, ये देखो आपको सामने दिखाई भी दे रहा है। तो इस तरह से हम करते हैं COVID-19 वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन। और ऊपर देखो हमको एक SMS भी प्राप्त हुआ है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।